उत्तराखंड में युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस तरह मुख्यमंत्री के द्वारा नकल विरोधी कानून को पास किया गया, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अब सुमगा की परीक्षाओं के बाद नौकरियों के लिए साक्षात्कार की वैधता खत्म करने पर युवाओं में खुशी की लहर देखने को मिली। युवाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है, जो युवा नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जाता था वही ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव में रहता है। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि साक्षात्कार के समय कुछ अधिकारियों के द्वारा साठगांठ कर बिना काबिलियत वाले युवाओं को नौकरी देते थे। जो युवा सक्षम था वो नौकरी पाने से वंचित रह जाता था, लेकिन इस पहल से हम सभी युवाओं के रास्ते खुल गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, पहली बात तो मैं सरकार का इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो आज इंटरव्यू खत्म करा है सरकार ने, शायद से इसकी मांग युवा चाहता था कि मांग करें, परंतु सिस्टम के अकॉर्डिंग वो संभव नहीं था। पर मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेप लिया है इंटरव्यू खत्म करने का, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे ये होगा, जैसे बच्चा अपना एग्जाम क्लियर करता था और जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता था तो उसमें ऐसा होता था मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया। हमारी धामी सरकार जो है बहुत अच्छे निर्णय ले रही है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे अब साक्षात्कार के प्रति उन्होंने अपना निर्णय लिया है। युवाओं को इसके कारण काफ़ी चीज़ें ऐसी जिनके वजह से उन्हें फल नहीं मिल पाता था परिश्रम का, वो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं युवाओं के बीच वो चीज़ आएगी और युवा बढ़ चढ़ कर इसको समझ सकते। ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने, ये स्टेप काफ़ी बढ़िया रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो इंटरव्यू वाला स्टेप था ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस क्रिएट करता था स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक काफ़ी स्टेजेस होती हैं कोई भर्ती में, हर स्टेज को क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन चाहिए होता है, कोई कैपेबल होता है कोई नहीं। मेरे से तो ये कदम जो सरकार ने उठाया है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा कदम है, क्योंकि इंटरव्यू की वजह से बच्चों को जो स्ट्रेस होता था वो मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत कम हो चुका है। जो बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो एग्ज़ाम देंगे, अपनी मेहनत से एग्ज़ाम करेंगे और सीधा सिलेक्शन पालेंगे। तो मेरे हिसाब से ये फैसला काफ़ी सही है।